जो हैं वो मास्क फ्री हुए थे और खुलकर हवा में सांस ले पा रहे थे। अब आपको बता दें, कोविड के लगातार बढ़ते मामले एक बार फिर सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर अब मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दिया जाए, विभिन्न जगहों पर तो किया ही गया था, अब जो है आपको बता दूं मैं, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच पूरे लद्दाख में भी मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया है। इससे पहले करगिल जिला प्रशासन ने भी इस चीज को सख्ती से लागू करने की बात कही, और इसके पहले जो है लेह में भी इसे लागू कर दिया गया है। अब लद्दाख की मैं बात करूँ, यानी कि लेह, लद्दाख और करगिल में अब मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। हालांकि जम्मू कश्मीर में भी ये कहा गया है कि अगर आप लोग हॉस्पिटल्स में जाते हैं या भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो मास्क जरूर पहन कर रखें। पर अब जो है लेह लद्दाख की बात की जाए तो सिर्फ भीड़ भाड़ वाले इलाके ही नहीं, बल्कि अगर आप अपने ऑफिस में जाते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, आप लोग शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, बाजारों में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो अब आपको मास्क पहनना जो है वो जरूरी होगा। सख्ती से इस चीज को जो है वो जिला प्रशासन ने लागू किया है और ये कहा है कि जो इसका पालन नहीं करेगा उन पर कार्रवाई होगी। मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, ये चीजें जो है वो कही गई हैं। और इसी के साथ साथ करगिल जिला प्रशासन आपदा प्रबंधक जो है उनकी ओर से ये आदेश जो है वो जारी किया गया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोग जो है वो अधिकतर सतर्कता तो बरत रहे हैं, यानी कि लोग जो है वो सतर्क हैं इस चीज को लेकर। पर फिलहाल इसके तहत दफ्तरों में जितने भी कार्यस्थल है, जो सार्वजनिक स्थान है जहां पर लोगों की आवाजाही रहती है, या फिर जितने भी सार्वजनिक परिवहन में है, यानी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं, इनमें भी मास्क पहनना आप लोगों को जरूरी है। अगर आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जो है वो सफर कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, तो भी मास्क पहनना जो है वो आप लोगों के लिए जरूरी है। तो इन तमाम चीजों को जो है वो फिलहाल आप देखें, ये चीजें जो है वो अनिवार्य की गई हैं। उसके बाद ये भी आपको मैं बता दूं, ये कहा गया है कि इसका उपयोग करना भी जरूरी है। दफ्तर तथा कार्यालयों की बात करें, यानी कि ऑफिस की मैं बात करूं, तो हाथों की ये कहा गया है कि आप लोगों को सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग ऑफिस में जाते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो ये चीज जरूरी है कि आप लोग जो है वो सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कुछ समय पहले किया जाता था। तो आप लोगों को ये चीज जानना अब जरूरी है। अगर आप लोग ऑफिस में जा रहे हैं, आप लोग जो है वो स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, बाजारों में जाते हैं, या फिर शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, या फिर आप लोग जो है वो बाहर किसी भी भीड़भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो मास्क पहनना आप लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि बढ़ते ठंड के साथ ही कोविड भी लगातार बढ़ रहा है और बढ़ते हुए मामलों के बीच ही प्रशासन ने ये फैसले लिए हैं। सख्ती से इस चीज को इम्प्लीमेंट करने की भी बात कही है, कहा गया है कि इस चीज को जो है वो सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाए। और इसी के साथ मैं फिलहाल आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये चीजें जो है वो लगातार सामने आ रही है। और इसके बाद आपको मैं ये बता दूं कि पहले कारगिल और लेह में किया गया, अब इसके बाद लद्दाख में भी इसे इम्प्लीमेंट करने की बात कही जा रही है। खाली कि जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में अभी तक जो है यही कहा गया है कि हॉस्पिटल्स में ही मास्क पहनना जरूरी है। पर आप लोग जो है इस चीज को खुद ध्यान में रखिए, आप लोग कहीं भीड़भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं, एक से दूसरे व्यक्ति को मिल रहे हैं, आप लोग हाथ मिला रहे हैं, तो इन चीजों को आपको भी ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी कोविड के केसेस जो हैं वो पाए जा चुके हैं। तो आप लोग किस तरह से देखते हैं, आप इस पर क्या राय है, अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, बीमारी से दूर रहिए, ये आपके हाथ में है। किस तरह से आप लोगों को जो है इन तमाम चीजों को देखना है, इन तमाम चीजों के साथ निपटना है। बने आगे की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप लोग अर्ली टाइम्स के साथ। कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।